हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो जगह घूमने वाले हैं वो जगह है कोलकाता में स्थित पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसों में से एक है। मैं बात कर रही हूँ कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में। अगर आप लोग कोलकाता में कहीं पर भी हो, वहाँ से मेट्रो पकड़ के विक्टोरिया मेमोरियल के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मैदान से उतर के इजीली आप लोग विक्टोरिया आ सकते हो। आप सब देख सकते हो, ये विक्टोरिया मेमोरियल का मेन गेट है। वैसे पीछे भी एक गेट है, दोनों गेट के सामने ही है टिकट काउंटर। एंड आप लोग टिकट काउंटर से टिकट बाय करके एंट्री ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, वीक में ये हर दिन खुला रहता है, सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक। मगर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है वो सोमवार को बंद रहता है और कोई नेशनल हॉलीडेज पे भी बंद रहता है। एकड़ जगह में बनी इस विक्टोरिया के अंदर मेमोरियल हॉल को छोड़ के दोनों तरफ फ्लावर्स गार्डन, प्लेग्राउंड, बैठने की जगह, फाउंटेन आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेमोरियल हॉल के अंदर चलते हैं। इस हॉल के अंदर म्यूजियम में 19 सेंचुरी का ब्रिटिश द्वारा यूज किए हुए एंटिक सामानों से भरा हुआ है। चलिए क्या क्या है वो देख लेते हैं।
इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आप बालकनी में जा सकते हैं, जहाँ से सेंट्रल हॉल का खूबसूरत नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं आप सबको एक बात बता दूं, ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये 100 साल पुराना है, ये 100 साल पहले बनाया गया था। अब मैं मेमोरियल से बाहर आ गई हूँ, आप देख सकते हो बाहर का एक बहुत ही खूबसूरत, एक मतलब बहुत ही अच्छा सा व्यू। यहाँ पे सारे कपल्स बैठ के बातें करते हैं, इवनिंग के टाइम यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग देख सकते हो मेमोरियल के एकदम ऊपर बनी ब्रोंज की एंजल स्टैचू, इस परी का असली नाम है एंजल ऑफ विक्टोरी। और हम लोग पहुँच चुके हैं किंग के स्टैचू के सामने, आप देख सकते हो। अगर आपको कोलकाता के बारे में और भी कुछ जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।